एक शहंशाह ने बनवा के हंसी ताजमहल, सारी दुनिया को मोहब्बत की निशानी दी है। दुनिया के 7 आश्चर्यों में शामिल ताजमहल को देखने सारी दुनिया से लोग आते हैं। हर साल ताजमहल की कमाई भी करोड़ों में होती है। इसके बावजूद अब ताजमहल पर कुर्की का खतरा मंडरा रहा है। ऐसी अटकलें लग रही हैं कि ताजमहल पर कुर्की की कार्रवाई हो सकती है। क्या है ये पूरा मामला, हम आपको बताते हैं। दरअसल आगरा नगर निगम ने आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया यानी ASI को एक नोटिस जारी किया है, जिसमें कहा गया है कि ताजमहल पर 1.94 करोड़ रुपए वाटर टैक्स और 1.47 लाख रुपए प्रॉपर्टी टैक्स बकाया है। इसी तरह का नोटिस आगरा में एक अन्य ASI संरक्षित इमारत इत्माद उद दौला को भी भेजा गया है, जिसमें ASI को संपत्ति कर के रूप में 1.45 लाख रुपए का भुगतान करने को कहा गया है। इसी तरह आगरा किले पर सर्विस टैक्स के रूप में 4 करोड़ रुपए बकाए की मांग की गई है। इस नोटिस के बदले में ASI का कहना है कि राष्ट्रीय स्मारक होने के नाते ताजमहल पर नगर निगम टैक्स नहीं लगाया जाना चाहिए, जबकि नगर निगम का तर्क है कि ताजमहल को देखने के लिए ASI टिकट बेचती है, इसलिए यहां व्यावसायिक गतिविधियां होती हैं, लिहाजा टैक्स तो बनता है। GIS भौगोलिक सूचना प्रणाली के अनुसार आगरा में प्रत्येक संपत्ति को नोटिस दिए जा रहे हैं, चाहे वो मंदिर हो, चर्च हो, सैन्य प्रतिष्ठान हो या नगर निगम की इमारत। इसी क्रम में ताजमहल को भी नोटिस भेजा गया है। ASI ने कहा है कि हमने आगरा नगर निगम को जवाब दिया है और डिमांड वापस लेने की मांग की है। बता दें कि नगर निगम की तरफ से जो नोटिस ताजमहल को दिया गया है, उसमें बकाया राशि के भुगतान के लिए 15 दिनों का समय दिया गया है। अगर 15 दिनों के अंदर टैक्स का भुगतान नहीं किया गया तो संपत्ति यानी कि ताजमहल को कुर्क कर लिया जाएगा। अब देखने वाली बात होगी कि 15 दिनों की अवधि बीतने के बाद ताजमहल की कुर्की होती है या नहीं। टाइम्स नाउ नवभारत डिजिटल की रिपोर्ट।